आ गया नया मॉडल जॉन डियर 5105 40 HP में। इसके बारे में हमारे भाई थोड़ा आपको जानकारी देंगे। ये भी हमारा एक नया वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें मेन बेनिफिट क्या दिया है, ये किसान को सस्ते करके और पावर उतनी की उतनी प्लस जॉन डियर का ब्रांड का लोगो देगा। सबसे मेन चीज़ तो इसकी यही है, क्योंकि हमारा जॉन डियर एक अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि इतनी कम कीमत पर इतनी अच्छी हॉर्स पावर ये प्रोवाइड करा रहा है किसानों को। सारे काम बड़े वाले करेगा, जैसे कि हमारा 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, एक अकेला ही ऐसा ब्रांड में हमारे पास ट्रैक्टर दिया है इन्होंने। इसमें सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो कि आपको एक बड़े ट्रैक्टर में जॉन डियर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छी दी गई है, प्लस इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, प्लस आपकी कॉस्ट इफेक्टिव रेट सबसे ज़्यादा बनाया गया है। अच्छा, वो कैसे, 5,70,000 रुपये में ये आपका ट्रैक्टर एक्स शोरूम प्राइस जो दिए गए हैं इसके, वो मेन इसके जो फोकस है वो इसके प्राइस के लिए दिए गए हैं। जी जी जी, ये क्या है दोनों भाई, एक चाले करने का? हाँ जी, ये उसके लिए, ये उसमें भी दिया उसमें? हाँ जी, वो उसमें। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। प्लस पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक तो ये इसमें बाई बर्थ आते ही आते हैं जॉन डियर। जी जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। कीमत क्या बताई? 5,70,000। 13 के टायर हैं। हाँ जी। तो किसान भाइयों, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, 40 HP में जॉन डियर, तो 11 के टीलर लेके चलता है, मैंने देखे हैं, और कोई आवाज़ नहीं है, कोई स्लिप नहीं मारता, बहुत दमदार ट्रैक्टर है। प्लस हमारे किसानों को, इंडियन किसानों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा डर लगता है कि इसकी प्लास्टिक की टंकी दी गई है, पर मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, ये ट्रैक्टर की सबसे अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, वो क्यों, ये कार्बन फाइबर दी गया है। पहली बात तो ये सबसे महंगा मटेरियल होता है जो कि ट्रैक्टर में यूज़ किया गया है, वो क्यों, ये आपको हर जगह नहीं मिल पाता। और किसान ये सोचता है कि टंकी पीछे दी क्यों दी गई है, पीछे देने का कारण सबसे अच्छा होता है। पहली बात तो हमारे ट्रैक्टर जो इंडियन ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें जो टंकी की होती हैं वो आगे होती हैं। आगे और पीछे देने में क्या बेनिफिट होता है, एक तो आगे ट्रैक्टर की वो हीट लेता है, आपका जो ऑयल होता है पूरे दिन गर्मी में चलेगा, और हमारा ऑयल डीजल इतना अच्छा प्योर नहीं होता जिससे कि वो गंदगी ना निकाले। हर चीज़ में गंदगी निकलती है, आपके पानी में से भी गंदगी निकलती है अगर आप भाप बना के उसे आपको निकालें। उस टाइम पे क्या होता है, ट्रैक्टर चलता रहता है, आप घर ले जाकर जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर जम जाएगा, जो उसकी जो गंदगी निकली गई है, गंदगी निकली तो वो कार्बन बन जाएगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलेगा, एक टाइम पर ऐसा आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, आपकी जो ऑयल है वो इतनी अच्छा प्रेशर मारेगा, वो सारा का सारा गंदगी जो आपके ऑयल अंदर जाएगी इंजन में, अगर इंजन में गंदगी चलेगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ कम कर देगा। पीछे देने में क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपके साइड के जो टायर हैं पीछे वाले, इनमें वेट बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर और जमकर चलेगा। दूसरी बात, आपके ट्रैक्टर में ऑयल की गंदगी नहीं आएगी, ऑयल ठंडा जाएगा तो ट्रैक्टर ठंडा आएगा। प्लस इसमें ऑयल कभी भी गंदा नहीं हो पाता, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर स्टील की कवरिंग और दी गई है जिससे कि इसके साफ रखा गया है। स्टील इसके अंदर दिया है? हाँ जी, इसके अंदर स्टील की कवरिंग और दी गई है। भाई वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, कुछ कमी रह गई है तो ज़रूर कमेंट करना। नमस्कार।